सब एक खेल है ना मोड साहब के लिए। आपके पास इमोशंस की कोई कदर नहीं है ना। आपको पंडिया स्टोर चाहिए था, इसलिए आपने मेरी शादी करा दी। आप जानते थे कि मैं नताशा से कितना प्यार करता हूं, फिर भी आपने मेरी शादी करवा दी। अब आप इसे लेकर आए नताशा की जिंदगी में। धवल उस परिवार का सब सच सबके सामने रखता है, जिसके चलते सभी मकवानास की बड़ाई करते हैं, क्योंकि उस परिवार में प्यार और त्याग के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, जिसमें मोत्स अक्का अमरेश धवल की हर फैसले पर अपना ही मोहर लगाता है और अपने हर हाल में फायदे नुकसान का सौदा करता रहा है। और धवल अब एक टूटा हुआ लड़का है जो मोट से सवालात करता है कि कैसे उसने नताशा और धवल के बीच की हर रिश्ते को सिर्फ अपने नजरिए से देखा, और सिर्फ इसलिए कि उसे नताशा पसंद नहीं थी वो कितना कुछ कर दिया, जिसके चलते आज धवल अकेला का अकेला ही रह गया, क्योंकि मोट्स उस नताशा को धवल से दूर करना चाहता था, जिसमें धवल की जान और जिंदगी बसती है। तुझे गलत फहमी हुई है धवल, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ मत लगाइए मोट्स। और अब बिखरते परिवार के रिश्तों के बीच नताशा को धवल से और भी दूर करने के चक्कर में अब अमरेश शशांक को भी लेकर आया है, ताकि नताशा और शशांक की शादी हो जाए और धवल की जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करने वाला अमरेश अब आगे भी अपनी मन मर्जी चलाते रहेगा और धवल की शादी किसी ऊंची खानदान की लड़की के साथ अपने फायदे के लिए करवा सके। और एक भावुक धवल अमरेश और अपने पूरे परिवार से अब अलग होने का फैसला लेता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर मोत्स ने उसकी अपनी खुद की जान मांगी होती थी तो भी वो दे देता, लेकिन मोत्स ने उस चीज को धवल की जिंदगी से दूर रखना चाहा, जिसके बगैर धवल कभी जिंदा भी नहीं रह सकता। अब क्या अमरेश को अपनी गलती का एहसास होगा या फिर खेलेगा एक और दाव? देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर धवल खोल डाला है सारा राज अमरेश का, जहाँ वो सबके सामने ला देता है कि कैसे अमरेश ने नताशा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जब तक धवल ठीक ना हो जाए तब तक उसके पास रहने का, और उसके बाद टाटा बाय बाय। तो आखिर क्या अमरेश को धवल टाटा बाय बाय कहेगा या फिर और कुछ होने वाला है? देखते रहिए पांड्या स्टोर्स की अपडेट्स में। मैंने जो भी किया तेरी खुशी के लिए, तेरे भले के लिए किया। मेरी खुशी के लिए किया आपने ये सब, क्योंकि आपको पता था मैं इसके बगैर रह नहीं पाऊंगा। क्या किया आपने? सौदा करके लेकर आया इसको, और मैं ठीक होता हूं तो टाटा बाय बाय। तू गलत सोच रहा था। गलत तो मैं तब था मोट, अब नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि आप जो भी करते हो परिवार की खुशियों के लिए करते हो। बड़ा वॉज रॉन्ग।